তালা চাবির শহর আলিগড়। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় রাম মন্দির উদ্বোধন হবে, আর সেখানে আলিগড়ের কোনো নিদর্শন থাকবে না তা কি হয়? রাম মন্দির উদ্বোধনের দুদিন আগেই আলিগড় থেকে অযোধ্যায় পৌঁছে গেল 400 কিলোগ্রাম ওজনের বিশালকায় তালা চাবি। গোটা অযোধ্যা জুড়ে এখন এক মহা কর্মকাণ্ডের অপেক্ষা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা কেউ পাঠাচ্ছেন রামলালা স্নানের জন্য মধু, কেউ পাঠাচ্ছেন মিষ্টান্ন। আলিগড়ের মহামণ্ডলেশ্বরের তরফ থেকে রাম মন্দিরের জন্য এই বিশেষভাবে তৈরি তালা পাঠানো হয়েছে, জানালেন অন্নপূর্ণা ভারতী পুরী। सबसे बड़ा मैसेज अलीगढ़ की ओर से समूचे विश्व के उन विरोधियों के लिए है जो चिल्ला चिल्ला कर भौंक रहे थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, तारीख ही बताते रहेंगे और मेरे प्रभु राम को राजनीति से जोड़ रहे थे, उनके मुंह पर ये ताला लगा दिया गया। 400 kg ওজনের এই দৈত্যাকার তালা এবং তার জন্য লাগসই বিশাল চাবি বানাতে সময় লেগেছে প্রায় 6 মাস। একদল কারিগর দিন রাত এক করে খেটেছেন এই তালা বানাতে, জানালেন এক ভক্ত। আলিগড় সে আয়া হ্যায় और ये इसका वजन तकरीबन 450 किलो है और इसकी चाबी का वजन कम से कम 30 किलो है और इनको जो इसने बनाया है उनका नाम सत्य प्रकाश शर्मा है जिनका देहांत हो गया है और इनका जो आगे का प्रक्रिया पूरी की है वो अन्नपूर्णा जी ने की है जो अलीगढ़ के महामंडलेश्वर जी हैं और जिनका मंदिर है बंगलामुखी मंदिर। ये मतलब एक जैसे हर जगह की वो होती है, जैसे आपके यहाँ का कुछ मतलब मशहूर चीज होती है, ऐसे हमारा अलीगढ़ का ताला मशहूर है, इसी वजह से ये इसको भेंट के तौर पे एक चिन्ह के तौर पे दिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि इसको कुछ जानकारी है आपको कि कितने दिन इसे बनाने में लगे या कितने कारीगर लगे, ऐसी कोई जानकारी? इसके इतनी जानकारी तो नहीं है लेकिन ये सुनाया था मैंने, वो इसके 1.5-2 महीने बताया है, 6 महीने, 6 महीने का भी। कितने जो लोग हैं वो लगे थे, ये जानकारी? 6 लोग। 22 জানুয়ারি দুপুরেই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে রামলালার, তার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি অযোধ্যা জুড়ে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।